नमस्ते और ओम शांति। आज के 290वें दिन के श्रीवेदान में आप सबका स्वागत है। आज परमपिता परमात्मा हमें नॉलेज की लाइट और माइट के बारे में क्या सिखाते हैं, देखें उसको। विस्तार में तो बाबा कहते हैं, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप हवा। तो नॉलेज के बिना तो हम स्पिरिचुअलिटी में या आध्यात्म में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हम हर दिन एक स्पिरिचुअल ज्ञान, जिसको हम कहते हैं मुरली, मुरली मतलब एक मधुर ज्ञान, बहुत ही सुंदर ज्ञान जो परमात्मा हमें हर दिन सुनाते हैं, उसको हम सुनते हैं। तो देखें, बाबा कहते हैं, फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट भी दिखती है, मतलब कि आपकी स्पिरिचुअल लाइट, और माइट मतलब ताकत। लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनन करना, तो ज्ञान को तो मनन करना, परमात्मा ने आज क्या बताया मेरे को पूरे दिन में वो याद रखना, और सहन करने की शक्ति चाहिए। ये क्या, आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। मनसा के लिए मनन शक्ति, मनसा के लिए मतलब माइंड के लिए हमें क्या चाहिए, मनन शक्ति, क्या क्या पॉइंट्स हैं। और वाचा कर्मणा के लिए, जो हम बोलते हैं और जो कर्म करते हैं उसके लिए सहन शक्ति धारण करो, फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वह उसी के प्रमाण होंगे। तो जो बोलते हैं और जो कर्म करते हैं उसके लिए हमें सहन शक्ति चाहिए कभी कभी, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी तरफ से आपको वैसा व्यवहार ना मिले, वैसा रिप्लाई ना आए आपको जिस तरीके से आप चाहते थे। तो परमात्मा कहते हैं बोलते समय और कर्म करते समय हमें सहन शक्ति धारण करनी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ मनन शक्ति भी अंदर। मनन शक्ति से हमारे अंदर लाइट बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है कि किस सिचुएशन में कैसे हमें व्यवहार करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये सारी चीज़ें परमात्मा जो हमें सिखाते हैं हर दिन के स्पिरिचुअल लेसन्स में, उससे हमें ज्ञान बढ़ता है, लाइट बढ़ती है, और फिर हमारे अंदर मनन शक्ति तो होगी और साथ में सहन शक्ति भी बढ़ जाती है। फिर बाबा कहते हैं, जो शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर बिना मनन शक्ति के अगर आप सोचेंगे मैं सिर्फ परमात्मा की याद में रह करके मेडिटेशन करके आगे बढ़ पाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान हो गया आपका ईटा और मेडिटेशन होगी आपका सीमेंट। तो बिना सीमेंट के आप ईटे का कोई फायदा नहीं है, और ईटे के साथ आप हैं लेकिन सीमेंट नहीं है आपके पास में, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो जोड़ पक्का होने के लिए मनन शक्ति मतलब ज्ञान की शक्ति भी, और साथ साथ मेडिटेशन करके आपके अंदर जो वाचा और कर्मणा से क्या बोलना है क्या नहीं करना है उसकी शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती, ठहराव आ जाता है अंदर से। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इन सारी शक्तियों को एक्सप्लोर करें, और करें भी कैसे, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पूरा का पूरा लेसन जो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है निःशुल्क, हर एक देश में 150 देशों में फैला हुआ है ये। और परमपिता परमात्मा चारों तरफ अपना कर्तव्य कर रहे हैं इसके द्वारा। तो आज के ईश्वरीय वरदान, आपके अंदर मनन शक्ति भी हो और आपके अंदर सहन करने की शक्ति भी हो, ये मेरा आपके लिए शुभ भावना शुभकामना का एक वरदान। आप इसके साथ में आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।